तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो सभी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी, फैमिली पेंशन कितनी बनेगी, और सेवा में रहते हुए अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कब तक उनको बढ़ी हुई दर से पेंशन का लाभ दिया जाएगा और फैमिली पेंशन किनको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले कर्मचारी की मृत्यु होने पे देख लेते हैं, बाद में पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद देखेंगे कि कितना लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु अगर सेवा में रहते हुए हो जाती है तो मृत्यु की तारीख के ठीक बाद से 10 सालों के लिए अंतिम वेतन का 50% फैमिली पेंशन दिया जाएगा। यानी कि जब भी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके 10 साल तक फैमिली पेंशन जो है 50% की दर से दिया जाएगा, बाद में 30% की दर से दिया जाएगा। यानी कि कर्मचारी समझो 55 साल में उनकी मृत्यु हो गई है तो पूरे 10 सालों के लिए उनको 50% के हिसाब से उनकी फैमिली पेंशन बन जाएगी। 10 साल के बाद 30% की दर से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में कौन कौन एलिजिबल होगा फैमिली पेंशन पाने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो पत्नी है वो सबसे पहले एलिजिबल होगी। उनको जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो आजीवन उनको जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, या जब भी उनकी पत्नी पुनर्विवाह कर लेती है तब तक उनको फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दूसरा केस है कि अगर कर्मचारी की पत्नी नहीं है तो ऐसे में 25 वर्ष से कम आयु के जो अनमैरिड बेटा है उसको मिलेगा या फिर अनमैरिड बेटी को मिलेगा। सबसे पहले जो बड़ा बच्चा है वो पात्र होगा। जो बड़ा बच्चा अगर अपात्र है तो उसके बाद वाले जो बच्चे हैं वो पात्र हो जाएंगे। यानी कि जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनकी पत्नी भी नहीं है, उनकी पत्नी भी अगर डेथ हो गई है तो उनके जो बच्चे हैं 25 साल से कम के बच्चे को फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? 25 वर्ष की आयु होने तक। यानी कि जब भी जो बेटा है या बेटी है 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है तब तक उनको फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा, या उनका शादी हो जाने तक दिया जाएगा, या फिर कोई भी आजीविका के लिए वो कुछ पैसा कमाना जारी कर देते हैं तो उनकी फैमिली पेंशन तब तक बंद हो जाएगी। इनमें से जो पहले होगा उसके अनुसार उनकी फैमिली पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों तीसरा कंडीशन है कि उनकी समझो कर्मचारी की पत्नी नहीं है या फिर बच्चे नहीं है, तो जो उनका मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा है उसको मिलेगा। यानी कि कर्मचारी की पत्नी नहीं है और कर्मचारी का 25 साल के अंदर का कोई भी बेटा या बेटी नहीं है, तो अगर उनको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा है तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगा। कब तक मिलेगा? आजीवन पर्यंत, यानी कि लाइफ टाइम के लिए फैमिली पेंशन जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा है उसको दिया जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में तीनों चारों केस नहीं है, पत्नी नहीं है या फिर बच्चे 25 वर्ष से कम नहीं है या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा भी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अनमैरिड डॉटर को या फिर डाइवोर्सी डॉटर को या फिर विडो डॉटर को जो है फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? इसमें कोई भी एज लिमिट की सीमा नहीं है। जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो किसी को भी मिल सकती है। जो सबसे बड़ा बेटी होगी, बड़ी बेटी होगी, उसको दिया जाएगा। अगर वो अनमैरिड है या फिर विधवा है या फिर तलाकशुदा बेटी है तो उनको फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जब तक वह उनकी विवाह नहीं हो जाती है या वो दोबारा शादी नहीं कर लेती है या फिर कोई आजीविका अर्जित करना शुरू नहीं कर देती है तब तक उनको फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अनमैरिड विडो या फिर जो डाइवोर्सी डॉटर है उसके केस में कोई भी लिमिट, एज का लिमिट नहीं है। तीनों भी 25 वर्ष से कम के अविवाहित बेटे नहीं होने पे या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा नहीं होने पे या फिर कर्मचारी की पत्नी नहीं होने पे जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो अनमैरिड डॉटर, विधवा डॉटर और तलाकशुदा डॉटर को मिलेगी पूरे लाइफ टाइम। इसमें कोई भी एज बाउंडेशन की सीमा नहीं है। अब दोस्तों ये चारों भी नहीं है, यानी कि कर्मचारी की पत्नी नहीं है, 25 वर्ष से कम के बेटे या बेटी नहीं है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा नहीं है, या फिर अनमैरिड या फिर विधवा या फिर तलाकशुदा बेटी नहीं है, तो
ऐसे केस में जो कर्मचारी के माता पिता हैं उनको फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा पूरे लाइफ टाइम तक। और अब दोस्तों ऐसे में चारों नहीं है, यानी कि 25 वर्ष से कम के आयु के बेटे नहीं है, कर्मचारी की पत्नी नहीं है, या फिर कर्मचारी का मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा नहीं है, या फिर विडो डॉटर या तलाकशुदा डॉटर, या फिर अविवाहित यानी कि अनमैरिड डॉटर नहीं है, तो ऐसे केस में मानसिक या और कर्मचारी के माता पिता भी नहीं है, तो ऐसे केस में जो कर्मचारी का भाई है अगर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसको फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा पूरे लाइफ टाइम के लिए। अब दोस्तों फैमिली पेंशन के लिए क्या क्या आपको देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 14 में एक आवेदन देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको देनी पड़ेगी, और आपका रिलेशनशिप क्या है कर्मचारी के साथ वो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और आपका एक जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पासबुक का जो पहला पेज है उसकी प्रति आपको देनी पड़ेगी, पैन कार्ड की प्रति आपको देनी पड़ेगी, और आपका एक नमूना हस्ताक्षर देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ पासपोर्ट आकार की आपको फोटो देनी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी की जो फैमिली है उनको पूरे 10 सालों तक के लिए बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उस 10 साल के बाद उनको 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और जो केस है यहाँ पे किसको मिलेगा वो आपने यहाँ पे देख लिया है, मैंने इसके बारे में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।